अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले मैं आज फेस वॉश के बाद ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया। ये पाकिस्तानी ब्रांड है और जो कि मुझे लगता है कि जॉनसन्स का मुकाबला कर रहा है ये, ठीक है। और सेम लाइक जो जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती थी आज पिछले 3-4 साल से, सेम लाइक वही है ये। इसका टेक्चर सारा कुछ बिल्कुल सेम लाइक है, बहुत अच्छा है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सन ब्लॉक पे, तो घर रहते हुए भी अब धूप निकलती है तो सन ब्लॉक मस्ट है। अभी तो मैं यही अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसका सर्च करके देखती हूँ। वैसे ये मेड इन यूके है, आई थिंक सो, यस, लंदन यूके। तो चेक करके देखते हैं कि ये कहीं इसराइल की सपोर्ट तो नहीं करता। और ये ले चुकी हूँ मैं, इसलिए मैं यही अभी तक ट्राई कर चेक वो कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये भी अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो ये भी चेंज कर लेंगे। इतना सा लिया है मैंने, जो पैसे लगा लिए होते हैं ना उसे ज़ाया नहीं करते, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला की देन है और बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो ये हम जल्दी जल्दी कर ये अप्लाई कर लूँगी मैं, और इतना सा लूँगी, ठीक है। और जल्दी करते हैं अप्लाई, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट, बच्चों का रेडी। आ रही हूँ। तो जनाब आ चुके हैं किचन में, यहाँ हमारी चाय मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। मम्मी पापा मेरी हेल्प कर रही होती है इस टाइम, ठीक है। और यहाँ ऑमलेट ईसा के लिए रेडी हो गया, वो आजकल ये वाला ऑमलेट खाता है, नमक मिर्च वाला, बहुत शौक से पराठे के साथ। तो अब गैस भी इस टाइम आ जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पराठे। तो आज की बहुत ही अमेजिंग टिप देने वाली हूँ। सर्दियाँ हैं और थोड़ा सा देर के लिए आटा फ्रिज में रख दें तो आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका इस तरह पेड़े हार्ड हैं, सख्त हैं, जो कि रोटी बनाने में बहुत मुश्किल होती है, तो आपने इसे क्या करना है, माइक्रो कर लेना है, ठीक है। सही है, इसे मैं माइक्रोवेव में रख लेती हूँ, सही। और इसे हम 40 पे मैं इसको माइक्रो कर लेती हूँ पेड़ों को, सही है। इससे ये होगा, ये डो जो है वो नर्म हो जाएगी और बहुत जल्दी आप लोगों जो है ना रोटी बेल हो जाती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ करके दिखाती हूँ। मैं काफ़ी देर से ये यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 15 दिन हो ही गए मेरे लिए। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है और आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह होने वाली, ऐसे करके ज़रूर देखिएगा। इससे डो जो है ना, आटा जो है वो नर्म हो जाता है और फिर बहुत जल्दी जल्दी बेला जाता है, रोटियां बहुत जल्दी बन जाती हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए बहुत नरम हो जाता है इस तरह। तो ऐसे आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, बहुत जल्दी ही हमारी रोटी तैयार हो जाएगी, गोल गोल सी, मज़ेदार सी। बहुत ही आसानी से फिर रोटी बेली जाती है और कुछ मुश्किल नहीं होती, कुछ 5-4 सेकंड में हमारी पूरी रोटी बेल हो जाती है, नरम आटा होता है, तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से पराठे भी बन जाते हैं। ये मैंने एक बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या अस्सलाम वालेकुम, मैं खाई दोनों सागन उम्मीद। माशाल्लाह मेरा टेडी बियर तैयार हो गया। मैं अच्छा चीजी लेने जा रहे हो, चलो मैं आपको लेके जाऊँ, आप ही को भी आवाज दे दो, चलो चले। आप ही अब्रिश भी आ जाए, यहाँ से चलो चलो नीचे उतरो, चाबी ले लेना। गुड बॉय, बस अभी आ जाना हम लोग। माशाल्लाह
सारे काम खुद करने की कोशिश करता है। अच्छा डॉगी आ गया। डॉगी कुछ नहीं कहना आपने मेरे बेटे को, हम स्नैक्स लेने जा रहे हैं इसा के। डॉगी मैं घर में मुझे तंग करे ना, मैं कहती हूँ मुझे ये वाला डॉगी ले जाएगा तो फिर डर जाता है। हाँ चलो डॉगी तुमने छेड़ना नहीं है। ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, ये हमारे इस एरिया में बहुत ज्यादा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये जो पार्क है हमारे लिए खाली है। ये देखे सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपको आज स्लाइड दिलाते हैं। इधर शॉप से इन्होंने चीज़ें लेनी थी वो ली हैं, तो मैंने देखा ना कि बिल्कुल खाली है। फिर मैंने खुरम साहब से पूछा कि हम लोग इधर खेल लें, तो कहते बच्चों को खिला लो, बच्चे ही खेल रहे सिर्फ आज। और पौधे शौधे लगा दिए, मेरे ख्याल क्रिकेट उन्होंने बंद कर दिया, अल्लाह करे ऐसा ही हो और सर्दियों का मज़ा आ जाए। चलो धूप में तो बच्चों को ला के तो बंदा बैठ सकता है। देख मैं आपको दिखाती हूँ, देख वाह ऐसा मजा आ रहा है। ईमान आप ना नीचे ना उतरो ना, वहीं खड़े रहो, थक जाओगी ऐसे। इधर सिर्फ ये वाली स्लाइड एक लगी हुई है, क्योंकि वो प्रॉपर बच्चे आते नहीं थे ना, ये कब्जा किया हुआ था इधर बड़े बड़े लड़कों ने, तो अब शायद यहाँ झूले लग जाए। वाह मज़ेदार है, मज़े की। वाह वाह नहीं रहने तो बड़ी वाले पर चोट लग सकती है। नहीं लगेगी, आगे जाके रुक जाती है। अच्छा यकीन मानो बहुत खुशी खुशी महसूस हुई मुझे इधर आके, खुशी। बच्चे आप साइड पे हो ना, भाई आ रहा। चलो 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 आ जाओ, गुड। क्या खा रहा है इसा? क्या खा रहे हो? मैं स्पाइसी खा रहे हैं, हम इसे स्पाइसी कहते हैं, हम स्लंटी को जो भी हो ना, हम उसे ये वाले जो भी हैं, और ये सारे स्नैक्स हमारे लिए स्पाइसी हैं। यम है? एक बाउल में रखा है, एक बाउल में उन्हें मिक्स कर रहा है सारों को और वो डाल के खा रहा है। यमी अम्मा के लिए क्या लेके आयो? अम्मा के लिए भी स्पाइसी लेके आयो। थैंक यू मेरी जन्नत। खोल के लेके घर था अम्मा के लिए जो स्पाइसी। बेटा अम्मा चाय पिएगी, ओके आप एंजॉय करो, अम्मा चाय पीने लगी, आपकी दे रही चाय। ओए मेरी जान। ओके ओके ईसा चुप गया, ईसा चुप गया, और ईसा के बाबा आ गए। आवाज नहीं देते ऐसे, पता लग जाता है। आज ईसा ने ना एक ब्यूज की थी, निकाली थी, और इसलिए हमने बाबा को शिकायत लगा देनी है अगर ये बाहर आ गया तो। चुप 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 चुप, बाबा आके बाहर ना आना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। हाँ बाबा को किसी ने नहीं बताना। अच्छा अच्छा वालेकुम अस्सलाम। खुरम साहब ईसा सोया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहम्मद ईसा सो गया। आज मोहम्मद ईसा ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से है ना। मोहम्मद ईसा है कहाँ पे? बाबा आज इसने अब्यूज की है एक छोटी सी। ओके 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 नहीं कर। कैसे हो? अभी इसको दांतो। अच्छा सर आप ही अपनी शाही बैठे बैठे प्लीज तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। खाना आ गया? मैं उधर बैठने उधर बैठने क्या
किधर से उतरना बताना आज ऐसा पार किया था। आज मैं पार्क पे जाएगी वो भाई उनके मैं ऊपर चढ़ी। अभी मैं दोस्त के ये बस उतर के राइट पर स्लाइड ली थी। ये देखो अब क्या खाने लगे हो आप? चावल चेकअप अपना ख्याल रखना। और यहाँ है डिनर टाइम, सारे डिनर करना शुरू हो गए। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। ये है मेरी प्लेट, यहाँ है पीस, और ये है चिकन कबाब और नान, साथ है केचप और दही। सो यम्मी।